आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। संसारी जीव और विशेष करके मनुष्य संसार में जन्म लेने के बाद भी देवशास्त्र गुरु की सन्निधि प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं दुखी है। पल पल वह सुख की खोज तो करता है पर फिर भी वह दुखी है। दुख के अनेक कारण हो सकते हैं पर उन दुखों के कारणों में मुख्य दो कारण समझने योग्य है। कभी जो मनुष्यों को दुख मिल रहा है वह अभाव के कारण, किसी आपदा के कारण, किसी ऐसे विपरीत संयोग आदि के कारण भी होता है। जिसे सामान्य रूप से हम कहें तो पर सापेक्ष दुख का कारण माना जा सकता है। और सबसे गहरा और सबसे आज तक ना समझने वाला अगर कोई कारण है जो आज तक अनादि से जीव को दुख दे रहा है उसका नाम है स्वयं। आश्चर्य लग सकता है
परम सत्य यही है। पर सापेक्ष तो बहुत बहुत कम बार दुख मिलता है, पर जीव स्वयं से ही अधिकांश दुखों को प्राप्त करता है। किसी का बर्ताव हमारे तरफ ठीक नहीं था, कोई हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, वो तो पर सापेक्ष था। उसे हम उपेक्षित करते हुए, इग्नोर करते हुए अपने आप को क्वचित कदाचित सुखी बना सकते थे, पर जब हमारा ही व्यवहार, हमारा ही बर्ताव अपने प्रति योग्य नहीं हो तो कौन सुखी बनाए। पर निमित्तों को लेकर, पर निमित्तों को सुधार लेना, दूसरों को समझा लेना, दूसरों को कह लेना कि तू ऐसा करता है, तेरा काम ऐसा होगा, वैभव तू बंद कर रहा है, ये दूसरों को कहना बहुत आसान है, पर स्वयं की गलती को समझना और स्वयं के दुख के कारणों को स्वयं ही मान लेना ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक स्वयं के दुखों के कारण स्वयं को नहीं मान रहे हैं, तब तक विश्वास मानना वह दुख छूटने वाला नहीं है। कैसे कैसे विपरीत बर्ताव और कैसे कैसे दुर्व्यवहार जीव ने स्वयं ने स्वयं के साथ किए, दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ तो फिर भी सोच समझ कर, विचार कर कर पाटनी बोलता है, सोचता है कि कोई कुछ कह दे तो। कितना सोच समझ के बोलते हो, कितना सोच समझ के व्यवहार करते हो, पर वैसा ही व्यवहार उतना ही सोच समझ से के स्वयं के लिए करते हो। वैसी ही भाषा, वैसा ही व्यवहार, वैसे ही शब्द क्या हम अपने आप के लिए प्राप्त करते हैं? शायद मां नहीं करते। जब वह भीतर से उबाल उठ जाता है उस क्रोध कषाय का, तब वह भूल जाता है मैं अपने ही साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। दूसरे के साथ नहीं, स्वयं के साथ ही कैसा कैसा दुर्व्यवहार कर रहा हो ये भूल जाता है। और चाहे तुम स्वयं से दुर्व्यवहार करो, चाहे दूसरों से दुर्व्यवहार करो, असाता वेदनी का सिंगे जी, दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्मय स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। चाहे हम दूसरों के लिए दुख के कारण बने हो, चाहे हम स्वयं के लिए दुख के कारण बने हो, पर ये पक्का पक्का मान लेना दुख दुख मात्र मुझे मिलने वाला है। कितनी कितनी सहजता से हम उस क्रोध कषाय में उबल जाते हैं। माँ, दूध उबलने में, पानी उबलने में भी कुछ मिनट, कुछ समय लगता है कि नहीं? अभी लगती तुरंत अग्नि पे दूध को, पानी पे तुरंत नहीं उबलता, गर्म होने में समय लगता है। पहले बर्तन गर्म होता है, फिर दूध गर्म होता है, फिर जाके दूध पानी उबलता है। और इंसान कैसा है, बर्तन गर्म होने से पहले ही तू उबल कर बाहर हो जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है। बर्तन बचाने, विवेक बचाने, मात्र मात्र ऐसा आवेग अंदर से फूट पड़ता है, सब विकल्पों से शून्य होकर, आगे पीछे का भान भूलकर, कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। किसने की भूल? मैं प्रतिदिन बात कहता हूँ, अनिल भाई दूसरों को मत झांकना, क्योंकि कोई यहाँ बैठा हुआ दूध का धुला बोलो नहीं है। दूसरों को देखते देखते, झांकते झांकते ही मैंने आज तक अपना स्वयं का घाटा किया है। आज अपने आप को झांकने का समय है, क्योंकि इंसान है, मनुष्य है, पंचम काल है,
खोटे काल में खोटे परिणाम हैं मान लिया, पर कम से कम अपनी गलती अपनी भूल को आज तो पहचान लो। छोटी छोटी बातों को लेकर हम ऐसे उबल जाते हैं, ऐसा क्रोध हम पे हावी हो जाता है, और जैसा ही क्रोध हम पे हावी हो जाता है माँ, हम दूसरे पे हावी हो जाते हैं, बच्चों पे, बच्चों के पिता पे, कितनों पे हावी होते हैं। थोड़ी सी कमज़ोर करी मिलती है, थोड़ा सा कोई कमज़ोर व्यक्ति मिलता है, हम उस पे तुरंत हावी हो जाते हैं। जिस दिन आपने कभी क्रोध किया हो ना दिवाकीर्ति जी, उस दिन की याद करना। आज भले ही आप यहाँ बैठो कोई बात नहीं, पर उन दिनों की याद करके बैठ जाना जब मैं उस छोटी सी क्रोध के पीछे बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, छोटी सी भूल के पीछे, छोटी सी क्रोध कसाय के पीछे बहुत बड़ी जो गलती मैं करके बैठा था, जो उबाल जो आवेग मेरे भीतर से निकला था, वही आवेग कितने घंटे के लिए। दूध भी माँ उबलता है तो लंबे समय तक अग्नि में रखा उबलता रहता है, पर इंसान की क्रोधाग्नि कब तक गुस्सा करते हो, कब तक गुस्सा करते हो? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत हो गया 2-4 घंटे में तो ठंडा होना ही पड़ता है। नहीं चाहो तो भी आपको ठंडा होना ही पड़ता है। जब 2-4 घंटे बाद ठंडा होना ही है, 2-4 मिनट में ही ठंडे हो जाओ ना, पर क्या करें। हमें दूध के उबाल को तो शांत करने की अकल विवेक माताओं है कि नहीं? गैस भले ही बंद कर लिया, गैस नहीं भी बंद कर लिया, फिर भी समझदार माँ जब वह बहुत बहुत तेज उबाल आता है, दूध अभी पका नहीं था, गैस बंद कर नहीं सकते, पर दूध के उबाल को भी बंद करना है, क्या वह तरकीब आपको नहीं आती? क्या वह ज्ञान आपके पास नहीं है? अग्नि से आपने बर्तन को दूध को अलग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अभी दूध को उबालना था, रबड़ी बनानी थी। माँ बनाई कभी भोजन बनाया आप लोगों ने? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाया। माँ कितना विवेक भोजन बनाते समय आपके पास होता है, वह खोलता हुआ उबलता हुआ दूध जो गैस पर अग्नि पे रखा है, समझदार माँ पहुँचती है, देखती, अरे इतने उबल जाएगा और बर्तन से बाहर निकल जाएगा तो हो सकता है अग्नि भी बुझ जाए, दूध खराब हो जाए। समझदार माँ पहुँचती है, एक कटोरे में पानी लेती है, हाथ में पानी लेती है, और पानी के कितनी ज्ञानी माँ वह उबलते हुए उस दूध पर भी चंद पानी की छींटे मारने से वह दूध भी कुछ क्षण में बैठ जाता है। ऐसे कभी जिनवाणी के छींटे अपने भीतर डाले? उस उबलते हुए दूध पर तो हम पानी के छींटे डालकर उसे शांत करना जानते हैं, पर जिनवाणी के छींटों से हम अपनी क्रोध कसाय को, अपनी उबाल, अपने आवेग को कभी शांत करने का पुरुषार्थ कर पाए? महाराज हम आपे से ही बाहर हो जाते हैं, कौन जिनवाणी है और कौन क्या, हम सभी तो भूल जाते हैं, कहाँ जिनवाणी याद रहती है। जिनवाणी तब याद रहती है, जिनवाणी तब डॉक्टर साहब याद आती है जब हम ठंडे होते हैं। जब ठंडे हो तब जिनवाणी काम की नहीं है। जिनवाणी तो ऐसी 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 परम शीतलता देने वाली है, चाहे तुम क्रोध कसाय में उबल रहे हो, चाहे तुम अन्य कसायों में जम रहे हो, उस जिनवाणी जब चाहे तब वह अपनी प्रकृति बदल देती है। हाँ, जब तुम गर्म हो तब जिनवाणी शीतल होती है, अब जब तुम ठंडे पड़ जाओ तो वही जिनवाणी कानों में सुनाकर तुम्हें जिंदा किया जा सकता है।
भले ही वह एक जिनवाणी एक आगम सूत्र क्यों ना हो, पर वह हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, ला सकता है, ला सकता है। कभी कभी तो अपने आप को आपे में रखो, कभी तो अपने आप को उन पानी जैसे छींटे मारकर संयमित करने का, कुछ कंट्रोल करने का प्रयास तो करो। पर क्या करे, हमारा अपने आप पे ही अंकुश नहीं है। हमारा दुनिया पे तो वश चलता है, दुनिया पर तो अंकुश चलता है, पर अपने आप पर इतना सा भी अंकुश हमारे पास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर पे दृष्टि डाले बैठे हैं। क्यों हम दूसरों की गलती को खोजे, क्यों हम दूसरों की गलती को खोजे। दूसरों की गलती, मैं कहता हूँ, 100 में 1000% हो, तुम्हारी 1% थी कि नहीं। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने आप को आपे से बाहर करके, हम अपने आप को अंकुश नहीं रख पाए, छींटे नहीं मार पाए, फिर किस काम का दूध और किस काम का तुम्हारा उबाल। कितने उपाय खोजकर माँ उस दूध को उबलने के लिए, दूध तो उबालना था। कितनी समझदार माँ है, माँ पानी भी नहीं मिल जाए तो क्या करते हो। माँ पानी नहीं मिल जाए, दूध उबल रहा है, बर्तन से नीचे गिर रहा है, समझदार माँ दौड़ के पहुंचती है और एक लंबा चम्मच अंदर डाल देती है, एक लंबा चम्मच अंदर डाल देती है, जिससे किनारे से धीरे धीरे भीतर की जो ऊर्जा, भीतर की जो भाप बनी है, वो निकल जाए और दूध नीचे बैठ जाए। ऐसे ऐसे कभी जिनवाणी के सूत्र की चम्मच, गुरु की आशीष की चम्मच, प्रभु दर्शन की चम्मच छींटे हमने डाले। यहाँ तो बिल्कुल सब ऐसे मुंडी हिलाते हैं कि जैसे आज से बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पर मेम साहब यही तक यहाँ के दरवाजे के बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ जिनवाणी की स्तुति हो गई, आप जाने, आपका काम जाने, महाराज को क्या जाता है, महाराज तो कहते रहते हैं।